गाइस वेलकम टू HPULS। तो यहाँ से होता हमारे कॉलेज का कैंपस स्टार्ट। तो ये हमारे कॉलेज की मेन बिल्डिंग, ये हमारे कॉलेज का कॉन्फ्रेंस हॉल और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक भी है। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, माय नेम इज आदित्य सिंह परमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मुसाफिर आदि। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले व्लॉग अ डे इन द लाइफ ऑफ अ लॉ स्टूडेंट में बताया था कि और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज टूर देंगे, बट उस व्लॉग को बनाना इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि पहले मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद हमारे को मॉनसून ब्रेक हो गई थी। बट अब फिर से कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो आज की वीडियो होने वाली है माय कॉलेज टूर। आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा कॉलेज एक्सप्लोर कराऊंगा, बट उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है 8 इन द मॉर्निंग और आज मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉलेज का कैसा माहौल होता है तो वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिन लोगों को मेरे कॉलेज के बारे में नहीं पता, आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज जो कि चौड़ा मैदान में है। अब इससे पहले कि लेट हो जाए, अब मैं आपको डायरेक्ट कॉलेज में मिलता हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुका अपने कॉलेज HPULS, अब चलते हैं अंदर, मैं आपको कॉलेज एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो कॉलेज एक्सप्लोर करवाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा कॉलेज का कैंपस है वो इतना भी बड़ा नहीं है। हमारे को थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, हमारे पास कॉलेज का ग्राउंड, कॉलेज की पार्किंग नहीं है, बट जैसा भी है बहुत सुंदर है। हमारे जो कॉलेज की लोकेशन है वो काफ़ी सुंदर है। तो अब आइए मैं आपको सबसे पहले कॉलेज एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पर जनरली हम अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और जो टीचर्स है वो कॉलेज के अंदर अपनी कार पार्क करते हैं। गाइज वेलकम टू HPULS। तो यहाँ से होता हमारे कॉलेज का कैंपस स्टार्ट। तो ये हमारे कॉलेज की मेन बिल्डिंग, मोस्टली क्लासेस यहीं पर लगती है, साथ साथ मूड कोर्ट रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी वो भी यहीं पर है। और जो ये वाला स्पेस आप लोग देख सकते हैं, हमारी कॉलेज की मोस्टली एक्टिविटीज़ जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे होली हो गया वो सब हम यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर्स अपनी कार भी पार्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो क्लासरूम, अब चलते हैं मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पहला क्लासरूम, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर है स्मार्ट बोर्ड और अगर हमारी कोई भी प्रेजेंटेशन हो तो हम यहीं पर प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे क्लासरूम मैंने आपको अभी तक दिखाया सेम वैसे ही क्लासरूम दो ऊपर भी है। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पर है हमारा ऑफिस, डायरेक्टर रूम और रिसेप्शन। तो अब मैं आप सबको ले चलता हूं मेन बिल्डिंग में। तो ये हमारे कॉलेज का कॉन्फ्रेंस हॉल, अगर हमारे कॉलेज में कोई भी एक्टिविटीज हो, सेमिनार हो तो हम यहीं पर करते हैं। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलेज में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो हम क्लासेस भी कई बार यहीं पर लगाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर है हमारी सारी लॉ रिलेटेड एंड सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स। अब मैं आप सबको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर।
हमारे कॉलेज का स्टाफ रूम और स्टाफ रूम के साथ साथ तो ये हमारे कॉलेज का मूड कोर्ट रूम और जो भी हमारे मूड्स होते हैं वो हम यहीं पे प्रेजेंट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक भी है और अंदर है कंप्यूटर रूम। तो गाइज ये है कॉलेज की बैक साइड, बट जो मेन बिल्डिंग है उसकी एंट्रेंस भी यहीं से है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बच्चे आना शुरू हो गए हैं और ये एक और रास्ता है जहाँ से हम कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। और सेम कॉलेज की बैक साइड पे भी हमारे दो क्लासरूम हैं। तो ये हमारे कॉलेज की छोटी सी कैंटीन जहाँ पर हम लेक्चर्स के बीच में कभी रिफ्रेश होने के लिए यहाँ पर चाय पीने आ जाते हैं। एंड दिस इज द प्लेस विच बाइंड्स द होल कॉलेज टुगेदर। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इसी राष्ट्रवाद के भाव और सीमाओं को एक मत में जुटाना बहुत कठिन है। कोई राष्ट्र के लिए जान देने को तैयार है, कोई राष्ट्र के लिए जान देने को। So this is it for today. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, give this video a big thumbs up and make sure you subscribe to my YouTube channel. Also hit the bell icon and please follow me on my Instagram. Thanks for watching.